फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता की पाकशाला। बिंदास बेकिंग सीरीज का सेकेंड वीडियो जब मैं बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक केक बिना मैदा के बनाऊं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज सूजी का केक बनाना सिखाऊंगी आपको, जिसका फ्लेवर नॉर्मल केक की तरह ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आइए हम आज सूजी का केक ओपन कंटेनर में, जिसमें ऊपर से लिड लगा लें, उसमें बनाएंगे। ये केक एकदम अलग ही स्वाद का बनकर तैयार होगा, देखने में भी अच्छा और खाने में भी अच्छा। इससे पहले मैंने कुकर में बनाया था मैदे का केक, आज मैं सूजी का केक बनाऊंगी ओपन कंटेनर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले एक कप दही, ये वाला जो कप है इससे मैंने एक कप दही लिया है, और इससे थोड़ा फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे आपस में। इसमें आधा कप ऑलिव ऑयल, ये आधा कप है मेजरमेंट के लिए, ऑलिव ऑयल डाल दिया। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं, मैंने लेकिन ऑलिव ऑयल लिया है, जिसमें ज्यादा स्मेल ना हो वो ही ऑयल डालिएगा। और ये आधा कप का है और ये एक कप का मेजरमेंट है, इसको भी मिक्स कर लेंगे हम। कर लेंगे क्यों नमक यूज किया जाता है, मैंने पहले भी बताया था कि ये हीट को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, बिना ओवन का केक है इसलिए हमें नमक को डालना पड़ता है, और उसका यूज बार बार हम कर सकते हैं एक अलग से कंटेनर में रख के। फ्रेंड, इसमें फिर हम जाली लगा देंगे स्टील की। ये मैंने ओपन इस पे बनाया है, तो ऊपर से लिड डाल रख के प्री हीट करने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट्स के लिए। तब तक हमारा रवा तैयार हो जाएगा, जो हमारा ये कंटेनर है वो प्री हीट हो जाए, हमारा रवा भी फूल जाए, तो हम
ये जो हमारा केक कंटेनर है उसकी तैयारी कर लेते हैं। इसको बटर से ग्रीस कर लेंगे मैम। तैयारी करना बहुत ज्यादा हो जाता है केक बनाने में। केक बन तो बहुत आसान से जाता है लेकिन इसकी तैयारी बहुत ही ज्यादा करनी पड़ती है और चूकना है नहीं एक एक स्टेप। इसमें ये जो बटर पेपर है इसको मैंने पहले से काट के रखा था, ये लगा के रख दिया था। इसके लिए टूटी फ्रूटी डालना है और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। तो टूटी फ्रूटी को पहले से तैयार करके ऐसे रखना है कि ये इसमें 2 चम्मच के करीब मैदा उसे इसको कोट कर देंगे कि आपस में वो फिर केक में मिले नहीं। ये देखिए सारे एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं। ये हमने सारी तैयारी करके रख ली है। 10-12 मिनट हो गया है इसका। देखिए ये काफी थिक हो गया है। इसमें हम 2-3 चम्मच दूध डालेंगे और ये 1 कप लिया था इतना मैंने यूज किया है। मिलाएंगे इसको, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए फ्रेंड, ठीक ठीक रहना चाहिए। ये थोड़े से मैंने टूटी फ्रूटी डाल दी थी। आप इसमें 1/2 टीस्पून सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट को डाल के सारा मिला दिया। अब इसको हम एक कंटेनर में डालेंगे। पहले नीचे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे, नीचे भी अच्छा डेकोरेट हो जाएगा। थोड़ी सी किशमिश बैटर को डाल देंगे इसमें। ड्राई फ्रूट्स अंदर डाल के पहले से ही डाल दो तो बीच बीच में आते हैं तो अच्छे लगते हैं खाने में। और कंटेनर को आधा से ज्यादा कर दें लेकिन उससे ज्यादा फुल नहीं करेंगे क्योंकि वो केक फिर ऊपर आ जाएगा और अच्छे से नहीं फूलेगा बढ़िया। इसको एक सा कर देंगे पैक करके। ऊपर से जितनी ड्राई आपको जो चीज आपको डालना है हमने टूटी फूटी से डेकोरेट कर दिया। काफी अच्छे से प्री हीट हो गया है। इसको क्लोज से पकड़ लेंगे और निकाल देंगे। अब इसमें मैं ये अपना केक कंटेनर आराम से पकड़ के रख दूंगी। इसको किसी भी चीज या कपड़े से पकड़ के रखिए नहीं तो हाथ जलने का डर रहता है। और जो हमारी फ्लेम है वो स्लो रहेगी। 30 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, उससे पहले बिल्कुल खोलेंगे नहीं कंटेनर की लिड को। और जैसा फ्लेम और जैसा कंटेनर उसके हिसाब से टाइम टू टाइम वेरी करता है फ्रेंड। किसी में 45 मिनट तो किसी में 1 घंटा भी लग जाता है। तो भी देखेंगे हम 30 मिनट के बाद। 30 मिनट से ज्यादा 35 मिनट के करीब हो गया। मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि हमारा केक तैयार हुआ है कि नहीं। अभी तो ये गीला है इसलिए मुझे अभी इसमें और टाइम चाहिए। तो इसको लिड को फिर से ढक देंगे। 55 मिनट और 1 घंटे के लगभग होने आ गया है। मैं आप खोल के देख रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड चाकू एकदम साफ निकला। इसे देख लीजिए फ्रेंड, बिल्कुल चाकू साफ निकला, मतलब हमारा केक बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर इसको कंटेनर से बाहर निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जल्दी करने से केक सही से निकलेगा नहीं और ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही हम पलटेंगे। 5 मिनट हो गया, इसको मैं निकाल लूंगी इसकी मदद से, हाथ ना जल जाए। ये फ्रेंड्स ऐसे करके मैंने निकाल लिया। अब इसको और ठंडा होने के लिए रख देंगे हम। इसको जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठंडा होने के लिए कप टॉवल से ढक के रख देंगे। थोड़ा ठंडा हो जाएगा फ्रेंड्स तब आराम से निकालेंगे। हमारा ये केक ठंडा हो गया है। अब इसको इसके ऊपर एक प्लेट रख के रख देंगे। थोड़ा सा हाथों से थपथपा देंगे। देखिए वाओ यम्मी केक बनके रेडी हो गया। इसके जो बटर पेपर लगाया था ये धीरे से निकाल देंगे फ्रेंड। ये देखिए वाह क्या फर्स्ट क्लास बनके तैयार हुआ है, कितना अच्छा टेक्सचर आ गया। अब इसको फिर से पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड वाओ
ये देखिए फ्रेंड, सूजी का केक बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही आसान है। कुछ बातें ध्यान में रखकर अगर केक बनाया जाए तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। बैटर बहुत ज्यादा पतला ना हो और ना ही ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। सोडा और बेकिंग पाउडर नाप के डालें। लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को ज्यादा मिक्स करें और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ज्यादा मिक्स ना करें। इस केक को फ्रिज में रखकर आप बहुत दिनों तक खा सकते हो। और आप जो भी इस केक के बनने का टाइम, वो आपके फ्लेम और गैस पर निर्भर है और आपके कंटेनर पर निर्भर है। आप अपने फ्रेंड्स, बच्चों के साथ अच्छे से शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एंजॉय। बाय बाय।